आज हम धर्म और ईश्वर के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी ने जो धर्म और ईश्वर से संबंधित जो अपने विचार दिए हैं, वो किस तरह जनता के लिए, किस तरह समाज के लिए, किस तरह व्यवस्था के लिए उपयोगी थे, वो बात की जाएगी। गांधी हमेशा से ही अपने दर्शन और अपने सिद्धांत में धर्म और ईश्वर को दोनों को साथ लेकर चलते थे। अपने धर्म की बात वो हमेशा करते थे कि धर्म ही है जो व्यक्ति को कल्याण में सहायक है, व्यक्ति के मोक्ष में सहायक है, और ईश्वर एक जो एक अलौकिक शक्ति है वो हमेशा उससे जुड़ी हुई रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो धर्म और ईश्वर के बिना जीवन नहीं रह सकता, धर्म को उन्होंने कहा कि धर्म के बिना वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, और वह एक मृतप्राय पशु, एक मृतप्राय शरीर के समान है यदि उसमें धर्म और ईश्वर नहीं है। तो ये जो धर्म और ईश्वर के बारे में जो उन्होंने कहा है कि गांधी का जो मानना था कि व्यक्ति की जो आस्था है वो मानव जीवन में प्रत्येक क्रियाकलापों, गतिविधियां संपूर्ण जीवन में संचित और उसके विश्वास व मान्यताओं के द्वारा संचालित होने होते हैं। ये संचित विश्वास व मान्यताएं उसकी धार्मिक अवधारणाओं पर अवस्थित होते हैं। वस्तुतः धर्म मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। ये जो भी क्रियाकलाप है मानव जीवन के शरीर से संबंधित, जो भी वह जीवन जी रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका रहती है, और वो उसका जो विश्वास और उसकी मान्यता है वो धर्म से जुड़ी हुई है। ये गांधी का जो मूल मत था कि धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने धर्म शब्द की जब व्याख्या की तो ये कहा गया कि धृढ़ धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात मनुष्य अपने जीवन में उस धर्म को जो धारण करता है वो धर्म कहलाता है, और उसको निरंतर बनाए रखना उसके लिए उपयोगी साबित होता है। अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, और धर्म का अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं व्यक्ति के जीवन में, यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यदि नहीं होगा तो वह किसी भी तरह की कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये होना अत्यंत आवश्यक है कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो वह धर्म अपने आप में अपना महत्व रखता है। महात्मा गांधी ने जो धर्म की बाह्य आडंबरों की रहित जो सार्थक तो अपनाने की प्रेरणा दी है, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कोई बाह्य आडंबर धर्म में नहीं होने चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी अंधविश्वास या किसी तरह के कोई भी जो गलत कार्य जो धर्म के द्वारा हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, इस तरह के वो बाह्य आडंबर जिसके द्वारा उस धर्म को बदनाम किया जाए, धर्म को नाश किया जाए, इस तरह के हम कार्य हम ना करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी उन्होंने धर्म के बारे में बताई। जीवन का धर्म एक व्यापक अर्थ में उपस्थित है, उनका आत्मानुभूति तथा ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है कि आप धर्म के द्वारा या धर्म के जो हैं जो आयाम हैं उनके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, तप हैं, संन्यास हैं, वो भी जो जितने जो कार्य हैं जो ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है वो धर्म के द्वारा ही, धर्म की शिक्षाओं के द्वारा ही संभव है। मनुष्य बिना धर्म के ठीक वैसा ही है जैसे जल बिना वृक्ष। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मतलब जो बिना धर्म के यदि कोई मनुष्य जीवन जी रहा है तो वो एक मृत प्राय प्राणी के समान है। वैसा जैसे कि जल के बिना एक वृक्ष को आप कितने दिन तक जिंदा रख सकते हैं, वही धर्म है जो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म रूपी आधार पर ही जीवन की भव्य इमारत खड़ी है की जा सकती है। जिस समय हृदय जैसे कहें वैसे उसका वह धर्म है, तो जो जिस समय अंतरात्मा जो बोलती है आपको वो ही आपका धर्म है। जो आप कर पाते हैं अच्छा, अच्छाई के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आपका धर्म है। गांधी ने धर्म संप्रदायवादी नहीं कहा है, उन्होंने कहा कोई भी किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है धर्म, बल्कि वह तो एक वृहद अर्थ रखता है जो धर्म धारण करने योग्य है, त्याग है, जिसमें नैतिकता है, सत्य है, प्रेम है, दया है, दानशीलता है, श्रद्धा है। ये सारी चीज़ें यदि आप में हैं तो आप अपने जो धर्म की पालना अच्छे से कर पाएंगे। धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि ये धर्म जो ये भी सब धर्म ही हैं, दान करना भी धर्म है, क्षमा भी धर्म है, आपका जो प्रेम है वो भी धर्म है, सत्य है वो भी धर्म है, ये सारी चीज़ें, नैतिकता है, त्याग, ये भी एक धर्म की श्रेणी में आते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो आप धर्म की अनुपालना करते हो।
दूसरा उन्होंने कहा कि धर्म का व्यक्तिगत पक्ष है जो कि सामाजिक पक्ष है, दोनों मतलब दोनों पक्षों में आप धर्म को देख सकते हो। आप व्यक्तिगत पक्ष से यहाँ तात्पर्य उन्होंने कहा कि जो आप अपने आप अपने धर्म को जो अपने जीवन के लिए, जीवन के मोक्ष के लिए, जीवन कल्याण के लिए यदि आप उसको लेके जा रहे हो, जो प्रसादन आप अपना रहे हो, वो तो धर्म का व्यक्तिगत पक्ष है। और सामाजिक पक्ष है जो आप समाज के लिए जो काम कर रहे हो, समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में कोई कुरीतियाँ उनको मिटाने के लिए, समाज में कोई भी किसी तरह की बुराइयाँ हैं कुछ भी आप समाज के लिए व्यक्तियों का आप सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक, जो भी आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वो उसका यदि आप लोगों का आप विश्वास कर रहे हो, लोगों को आप अपना पूरा का पूरा समय दे रहे हो या उनके विकास के लिए आप अपने तत्पर तैयार रह रहे हो, वो आपका धर्म है। तो ये इसी तरह धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि धर्म केवल वो नहीं है केवल आप एक ईश्वर की आराधना कर रहे हो। गांधी कहते हैं धर्म वो है कि आपके लिए एक मानवता भी एक धर्म है। आप जीवों के प्रति यदि आप दया रखते हो वो भी आपका एक धर्म है। काम कर रहे हो आप ही वो भी आपका एक कर्म भी एक धर्म है। तो ये इस तरह से सारी चीज़ों को उन्होंने गांधी ने माना कि ये चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। वे स्वीकारते थे कि किसी भी चीज़ के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ उसके ना मिले वो उसके बिना जीवन, किंतु यदि ईश्वर में विश्वास टूट जाए तो वह धार्मिक चेतना में सबसे बड़ी बात है। मतलब आप कोई यदि चीज़ बिना वे जीवित रह सकते हैं, यदि आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि ईश्वर आपको नहीं मिले तो आप अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, या ईश्वर की जो धार्मिक चेतना आपको ना मिले तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। गांधी दर्शन ने ईश्वर पर दो दृष्टियों में विचार किए, एक धार्मिक दृष्टि और दूसरा है दार्शनिक दृष्टि। दो दृष्टियों में बात की ईश्वर के बारे में कि ईश्वर धार्मिक दृष्टि से हम अपने धर्म को धारण करने की जो बात करते हैं वो धार्मिक दृष्टि से है, दार्शनिक दृष्टि से है कि दो दर्शन ने जो कहा है कि ईश्वर सत्य है, या फिर गांधी ने जो उसको बाद में उसे बदल दिया कि सत्य ही ईश्वर है। तो ये जो दर्शन हमें कहता है, दर्शन हमें कहता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ये काम करने चाहिए, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, ये हमारा दर्शन कि जो वैदिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, अलग अलग जो दर्शनों की जो ईश्वर को मनाने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर की साधना की जो अलग अलग पद्धतियाँ बताई गई है वो ही ईश्वर के मार्ग है, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया गया दार्शनिक पक्ष। और जो धार्मिक पक्ष है वो अपने धर्म के अनुसार जो आप काम कर रहे हैं वो सारे के सारे धार्मिक पक्ष हैं, यज्ञ अनुष्ठान है, किसी की सेवा है, कुछ दया है, ये सारी चीज़ें आपके लिए धार्मिक पक्ष में आती है। ईश्वरवादी होने की दृष्टि से गांधी ने ईश्वर को एक ऐसी निर्वचनीय रहस्यात्मक चेतन शक्ति मानते हैं जिसका पूर्ण विवरण देना मानव बुद्धि से परे है। उनके अनुसार यह एक ऐसा शक्ति है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उन शब्दों में बाधा नहीं जा सकता, और तथा प्रमाणों में उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि इंद्रियजन्य शक्ति उससे भिन्न है। उन्होंने कहा कि ये एक रहस्यमय शक्ति है, आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को तो उसके लिए आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, और उसकी जो मानव की जो बुद्धि है और वो उनसे परे चीज़ है, तो इसके लिए अलग से आपको साधना करनी पड़ेगी, शब्दों में यदि किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और आप पूर्ण रूप से ईश्वर की दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं तो ईश्वर में लीन होना पड़ेगा। ईश्वर के गुण उन्होंने बताए कि यद्यपि ईश्वर के प्रति गांधी का समग्र चिंतन रहा है, तथापि सुविधा की दृष्टि से गांधी द्वारा वर्णित ईश्वर के गुणों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनका यदि आप ईश्वर को जो जानना चाहते हैं, यदि ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, तो चार गुण यदि आप में विद्यमान है तो आप ईश्वर तक को जान सकते हैं। पहला है सत्तात्मक गुण। ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक सत्ता है, एक निश्चित एक चीज़ है जो आपको हर समय हर जगह व्याप्त मिलेगी, एक सत्ता मिलेगी। सत्ता की दृष्टि से ईश्वर को विश्व का एक मात्र स्थायी तत्व बताया है। जो स्थायी सत्ता है वो न कभी उड़ती है न कभी बिखरती है और वो हमेशा निरंतर बनी रहती है। इस आधार पर वह सृष्टि का आधार पालन करता है, संहार करता है। ये जो पर्दे के पीछे यदि हम कहें कि वो सबको चलाने वाला जो सत्ता, ईश्वर की जो सत्ता है वो सबको चलाने के लिए अपना निरंतर अपना कार्य करती रहती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। वो ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता है जो सभी जगह व्याप्त है, प्रकृति में है, पर्यावरण में है, मनुष्य में है, जीवों में है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता नहीं है। ईश्वर के सभी प्रकार के भेदों से परे है, न नर है न नारी है, वह केवल एक सत अर्थात सत्ता है जो कि ईश्वर का स्वरूप है। तब वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कि नर में भी है, नारी में भी है और सत्य प्रतीत होती है,
और कोई भी मानवीय कल्पना नहीं है अपितु वास्तविक शक्ति का नाम है। वो एक अलौकिक शक्ति है जो हमारे पीछे से हमें हर कार्य के लिए प्रेरित करती है, हमें संबल देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है और हम उस कार्य में सफल हों इसके लिए वो हमारे लिए हमारी मदद करती है। ये देश काल से परे तथा पारमार्थिक तत्व है, अर्थात ये जो कोई भी किसी देश या काल में कहीं विभाजित नहीं की गई है, कहीं ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ईश्वर है, यहाँ ईश्वर नहीं है, इस तरह की कहीं है, सभी जगह सर्वव्याप्त है और सभी जगह जो वो हमेशा मनुष्य की जीवों की और हमेशा वो तत्पर तैयार रहता है उनकी मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। ये उनकी सत्तात्मक गुण है, हमेशा उसकी सत्ता विद्यमान है। दूसरा नैतिक गुण बताया गया गांधी की दृष्टि के साथ साथ मूल्यांकन भी वो मूल्यात्मक जो बात की है वो भी है कि ईश्वर को नैतिक निर्भय व प्रेम स्वरूप कहना, उसमें मध्या मूल्यात्मक अर्थ को ही प्रकट करना। तो गांधी ये कहते हैं कि जो साथ साथ मूल्यात्मक जो उसकी जो बात है, मूल्यात्मक ईश्वर का जो नैतिकता है, निर्भय है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें हमें यदि मिलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ ईश्वर का निवास करता है। तो गांधी के अनुसार ईश्वर न्याय करता है, सहनशील है, दयालु है, धैर्यवान है, वह परोपकारी है, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है और वह शुभ है, शुभत्व उसका गुण नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही ईश्वर है। वह हमें अच्छे जीवन के लिए सदैव चेताता रहता है या चेतावनी देता रहता है। तो ये जो तात्पर्य है, जो नैतिक गुण में वह न्यायशील है, वो हमेशा सबके साथ न्याय करता है, सहनशील है, दयालु है, धैर्यवान है, परोपकारी है, ये सारी चीज़ें जहाँ हमें मिलती है वो एक ईश्वर के वहीं निवास करता है। ईश्वर वहाँ आपको मिलता है, ईश्वर आपकी आपकी मदद करता है और वो प्रभु जो सब जो शुभ कार्यों के लिए हमेशा हमें तत्पर तैयार रखता है। धार्मिक गुण, धार्मिक गुण में जो बात कही गई है, धार्मिक यदि सत्ता की बात करें या धार्मिक जो सत्ता है, वही ईश्वर को हमें परोक्ष रूप से या जिसे हम कह सकते हैं कि ईश्वर के दर्शन का एक जो सबसे बड़ा मार्ग बताया गया है धार्मिक गुण। गांधी ने ईश्वर संबंधी विचारों की सगुण वैष्णववाद, निर्गुण रहस्यवाद, मानवतावाद तीनों का सहमिश्र जो बताया है कि मानवतावाद भी ईश्वर का एक गुण है, रहस्यवाद भी उसी से जुड़ा हुआ है और निर्गुणवाद ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये धार्मिक गुण जो मान इन तीनों को सहमिश्रण करते हुए गांधी ने कहा है। इसलिए गांधी एक तरफ ईश्वर को परोपकार, संप्रभुत्व, सर्वज्ञान आदि गुणों से विभुक्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ये जहाँ संप्रभुत्व की बात आती है, परोपकार की बात आती है, जहाँ सर्वज्ञता की प्राप्त आती है, तो वो ईश्वर ही है। और दूसरा उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा विशेष साधना पद्धति का आग्रह नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर की उपासना कर सकता है और तीन दुखियों की सेवा करके भी वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है केवल आप मंत्रों उपचार के द्वारा, आप साधना पद्धति के द्वारा, आप तपस्या के द्वारा या कोई ग्रंथों के पढ़ने से आपको मंत्रों उपचार या मंत्र सिद्धि करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। गांधी जो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि आपका अपना मार्ग हो सकता है, आप किसी भी पद्धति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए चाहे आप ध्यान करें, साधना करें, संन्यास में जाएँ या फिर आप दीन दुखियों की सेवा करें, परोपकार करें, दूसरों का दान करें, वो सारी के सारे जो गुण हैं वो ईश्वर के ही हैं। आप ईश्वर रूपी लोगों की मदद कर सकते हैं। और यदि ऐसा भी गांधी कई बार कहते हैं कि आपको अचानक यदि कभी कोई संकट के समय कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आपको क्या लगता है, आप कहते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है या ईश्वर के द्वारा भेजा गया जो एक निमित्त है जिसने हमारी मदद की और हमारे इस तरह हमारा वो उसने सहयोग किया। तो ये कहीं ना कहीं जो ईश्वर को हम परोपकार मानते हैं कि किसी भलाई में भी ईश्वर का जग जुड़ा हुआ है। तो गांधी कहते थे कि ईश्वर का जो रूप है वो सभी जगह हमें कहीं पर भी किसी भी रूप में वह दिखाई दे सकता है। अब ईश्वर का जो अगला बिंदु, ईश्वर ज्ञान की अगम्यता है, मतलब ईश्वर के ज्ञान के बारे में गांधी कहते हैं कि ईश्वर को उपयुक्त सभी गुणों का उल्लेख तब तक अधूरा है जब तक यह नहीं कहा जाए कि ईश्वर अनंत अवर्णनीय है। ईश्वर को कोई सीमाओं में, परिभाषाओं में आप बांध नहीं सकते, वो अवर्णनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते आप कि वो क्या है, कैसी एक अलौकिक शक्ति है, किस तरह से आपके कार्यों को संपादित करती है। क्योंकि ज्ञान के किसी भी साधना के द्वारा हम उसे नहीं जान सकते, केवल अनुभव का विषय है। अब ईश्वर को जानने का, क्योंकि बहुत विशाल जो चीज़ है उसे आप
जान नहीं सकते, केवल आप उसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे? आपकी जब भी कोई विपता है, संकट है, या कोई भी आपकी दुख तकलीफ है, उस समय यदि आपकी जब यदि मदद होती है कोई एक, या आपकी सहायता मिलती है, वो आपको कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में आपकी मदद मिलती है, तो वो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार ईश्वर पर अपरिभाष्य वस्तु है जिसे हम सभी अनुभव कर सकते हैं परंतु जान नहीं सकते। ये अपरिभाषीय है, मतलब आप परिभाषित नहीं कर सकते, आप उसे केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल आप उसे जान सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर भी कोई के कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिससे आप उसे कहीं कोई एक सीमा में बांध कर आपको कुछ बता सकते हैं। तो और ये ईश्वर के उन्होंने जो मुख्य रूप से जो विवरण किया है, मुख्य बताने का प्रयास किया है गांधी ने, कहा है कि ईश्वर भी अपने आप में एक अलौकिक शक्ति है। तो अलौकिक शक्ति होने के कारण आप देखेंगे कि वो अनुभव कर सकते हैं आप उसे, परंतु उसे जान नहीं सकते कि वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उसका रूप है, रंग है, आकार है, या किस तरह से वो आपके साथ है। वो एक अलौकिक शक्ति के रूप में आपके साथ काम करेगा। ईश्वर के अस्तित्व की जो प्रमाण की जो बात करते हैं गांधी, वो गांधी ही कहते हैं कि ईश्वर को अवर्णनीय है, इसको आप कोई वर्णन नहीं कर सकते। दूसरा अपरिभाष्य है और वो हृदयगम मानते हैं। गांधी ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे कहते हैं कि जब हम अपनी सत्ता में विश्वास करते हैं तो ईश्वर की सत्ता में स्वतः ही विश्वास करना पड़ता है। यदि आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो ईश्वर को साक्षी मानकर, यदि आप जो काम कर रहे हैं वो आप विश्वास कर रहे हैं, तो अपने आप सत्ता व ईश्वर की सत्ता बन जाती है। विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ईश्वर सभी प्रकार से जीवन में, जीवन के संयोग का नाम है। मतलब आप जिसी कोई भी यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपको सहयोग है वो रहे, जो भी चीज़ें मिल रही है वो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से ईश्वर ही उसमें सहयोग कर रहा है, और आप उस पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो ये ईश्वर की सत्ता है, इसलिए आप उसमें विश्वास कर पाएंगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति है वो सृष्टिमूलक है। सृष्टिमूलक से यहाँ तात्पर्य उन्होंने कहा ईश्वरस्य परिषद के वाक्य के आधार पर उन्होंने सृष्टिमूलक युक्ति को प्रस्तुत करते हुए गांधी कहते हैं कि इस जगत में जो भी विद्यमान है, लघुतम से लेकर विशालतम, उन सब में ईश्वर व्याप्त है। छोटे से छोटा यदि आप जीव की बात करें तो एक चींटी से लगा के हाथी या हाथी से बड़े जो जीव है, वहाँ तक उन्होंने कहा है सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है, और जो बड़े से बड़ा जो रूप है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और लघुतम और जो बड़े से बड़े जो विशाल का है, वहाँ सभी जगह ईश्वर की ये सृष्टि में सभी जगह व्याप्त है। कार्यकारक मूलक, कार्यकारक मूलक से यहाँ जो तात्पर्य है, गांधी जो कहते हैं कि कार्यकारक मूलक है वो प्रत्येक कार्य कारणजन्य होता है, किसी न किसी कार्य के पीछे कोई कारण होता है। तो उस कारण की यदि हम बात करें, यदि हम हैं तो कोई उसका हमारा कर्ता भी होगा। इसी प्रकार यदि हम हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो यह स्वीकार उचित प्रतीत होता है कि इसी पूरी सृष्टि का भी कोई जनक है, और वह महासचेतक शक्ति ईश्वर के रूप में अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं है। यहाँ कहने का जो तात्पर्य है कि ईश्वर जो कह रहे हैं कि हम यदि बात करते हैं कोई मूल की बात करते हैं, ये तो वो ईश्वर तो कहाँ है, तो हम जहाँ हम हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता और वहाँ तक की बात करते हैं, तो अंततः जो एक बात आती है वो सृष्टि का जो जनक है वो ईश्वर ही निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण की बात की गई है, वही कारण मूलक ईश्वर ही है। तत्व मूलक, गांधी ने अनुसार सत्य पुरुषार्थ, तो तत्व कुछ ऐसे तत्वों के मिलने से ईश्वर का जो निर्माण होता है उसमें गांधी कहते हैं कि जो सत्य है वो पुरुषार्थ है। यहाँ पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष अर्थ सत्य है, और सत्य का या सत्ता ईश्वर की द्योतक है। लोगों ने कहा कि जहाँ सत्य है वहाँ सत्ता जो बनी हुई है, जो अच्छी जो है, वहाँ हमेशा ईश्वर विद्यमान रहता है। इस प्रकार सत्य ही ईश्वर है की स्थापना होती है, और सत्य शब्द का अर्थ ही है कि जो है, अर्थात जिसकी सत्ता है। मतलब जहाँ सत्य की हम बात करते हैं अर्थात वहाँ ईश्वर है, या ईश्वर की जो बात की जाती है वहाँ सत्य अपने आप ही विद्यमान रहता है। और ये सत्य शब्द का अर्थ ही अपने आप में एक निश्चित सत्ता है, निश्चित सत्ता के साथ में यदि हम जी रहे हैं तो वो सत्य ही है। शब्द प्रमाण, गांधी ने लगभग सभी धर्मों के प्रति आस्था व्यक्त की है और उनका अध्ययन भी किया है, और अपने अध्ययन में वो निष्कर्ष पर पहुँचे कि ईश्वर को एक प्रत्येक धर्म में एक नाम दिया गया है।
जैसे आप शब्द प्रमाण की यदि बात करें तो अलग अलग धर्मों ने अलग ईश्वर की जो आराधना है अलग अलग तरीके से की है। मुस्लिम धर्म उसे अल्लाह कहते हैं, ईसाई उसे जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जो हिंदू हैं वो देवताओं के रूप में भगवान के रूप में मानते हैं। तो सभी धर्मों ने मानने की जो उन्हें अलग अलग शब्दों का नाम दिया गया है, लेकिन सभी का एक जो अलौकिक शक्ति है वो ईश्वर है और सभी को सभी उसमें विद्यमान है। तो ये जो मूल रूप से जो शब्द की बात की गई है वो ईश्वर के लिए कहा गया कि अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है लेकिन वो ईश्वर एक ही है। नैतिकता मूलक युक्ति, गांधी कहते हैं कि यदि जगत में नैतिकता ईश्वरवादियों के अनिश्वरवादियों चेतनवादियों जड़वादियों सभी के द्वारा स्वीकृत है क्योंकि इसके बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। नैतिकता मूलक शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि हमें नैतिक जो चीज़ें हैं वो सभी है, चाहे ईश्वरवादी है अनिश्वरवादी है या चेतनावादी है, सभी जगह ईश्वर को यदि आपको पहचानना है तो वहाँ नैतिकता का भी बोलबाला होगा और नैतिकता भी रहेगी। तो ये गांधी के ने माना है। अगला जो है अतींद्रिय निगम, अतींद्रिय निगम में भी गांधी ईश्वर को अतींद्रिय सत्ता मानते हैं। वो कहते हैं कि कांट की भांति वे भी रचना नाश और पुनर्निर्माण वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब सभी चीज़ें होगी उत्पादन व्यय और ध्रुव की, जब हम सत्य की बात करते हैं तो ये तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गांधी भी अतींद्रिय ज्ञान की जब बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि रचना निर्माण होना नाश होना और पुनर्निर्माण होना, ये तीनों चीज़ ईश्वर की जो सृष्टि का जो नियम है जिससे हमें चलना पड़ेगा। इस सृष्टि के नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो यही जो वाद है प्रतिवाद है संवाद है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा इस सृष्टि में बनी हुई है, यही अतींद्रिय आगम है। नियामक मूलक व्यक्ति, नियामक मूलक युक्ति से यहाँ जो तात्पर्य माना है गांधी के अनुसार जो नियामक है, गांधी के अनुसार जगत में जो नियामकता है उसका कारण आवश्यक होना है। संपूर्ण सृष्टि की नियामकता का कारण महाचैतन्य हो सकता है जो ही ईश्वर है। तो जो भी विद्यमान है जो भी चीज़ हमारे सामने है वो नियामकता मूलक है, जगत में है और उसका होना सृष्टि संपूर्ण सृष्टि में नियामकता का होना बहुत जरूरी है और यही महाचैतन्य की उन्होंने बात की नियामकता के लिए। मूल्य मीमांसा युक्त जो बात की है मूल्य मीमांसा की, वो गांधी कहते हैं कि मूल्य मीमांसा की कभी कभी पुरुषार्थ को अधेय तथा अस्तित्व को उसका आधार बना बताया है। उन्होंने कहा है कि अस्तित्व उसी का हो सकता है जो सदैव रहता है। तो अस्तित्व की बात यहाँ आती है तो गांधी जब अस्तित्व की जब बात करते हैं तो वो ईश्वर को ही साक्षी मानकर करते हैं। व्यक्ति के वो कहते हैं कि यदि अस्तित्व है तो उस कहीं ना कहीं ईश्वर है और ईश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है। अस्तित्व के साथ उसकी बात की है, उन्होंने कहा वो सदैव यदि रहता है तो ये भी एक ईश्वर की ही देन है। श्रद्धामूलक युक्ति, ईश्वर में जो गांधी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है ईश्वर में, ईश्वर में मैं बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ और ईश्वर को ही सब कुछ करता मानता हूँ। इस युक्ति में गांधी ने जो श्रद्धा के ईश्वर का सिद्ध करते हुए कहते हैं कि बुद्धि ईश्वर को जानने में असमर्थ है, शक्तिहीन है, ईश्वर बुद्धि की पहुंच से बाहर है किंतु उन्हें उसे विशद करने की आवश्यकता है। अर्थात हम जानने के लिए अपने आप को ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने ज्ञान को हम बुद्धि को उतना विकास करें उसके लिए जानने के लिए, और ऐसा इतने हम असमर्थ हैं कि हम एक शक्तिहीन हैं कि ईश्वर को जानने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो यही उन्होंने कहा है बुद्धि ईश्वर को जानने में असमर्थ है, शक्तिहीन है और ईश्वर जो है वो बुद्धि की पहुंच से बाहर है किंतु उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक अपने आप में ईश्वर को जो जानने के लिए उन्होंने कहा है कि ये श्रद्धा मूलक है कि हम केवल श्रद्धा उसमें कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा ऐतिहासिक साक्ष्य, आज इतिहास को जब हम देखते हैं तो इतिहास में ऐसे अनेकों साक्ष्य मिलते हैं जो कि कहते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर सत्य है और ईश्वर इस सृष्टि में हमेशा से विद्यमान रहा है। चाहे हम साहित्यिक भाषा में देख लें, हमारे साहित्यों में देख लें, चाहे धार्मिक ग्रंथों में देख लें या ऐसे जो संत महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा हम ईश्वर की जो आराधना की जो बात देखते हैं वो हमें ईश्वर को होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी ने संत साहित्य के अत्यधिक प्रभावित थे, वो संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने संतों के अनुभवों को प्रत्यक्ष से भी अधिक प्रमाणित माना है। उन्होंने कहा ये जो कर रहे हैं वो वास्तव में ही ईश्वर की देन है और उन्हें अनुसार अनादिकाल से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव लोगों द्वारा किया जाता रहा है। यही एक सत्य प्रमाण है कि वो ईश्वर है, इसीलिए उन्होंने इसकी प्रमाणिकता भी पेश की है और वो प्राचीन धर्म से प्राचीन साहित्य से प्राचीन संस्कृति से हमारे साथ चला आ रहा है और हमारे पास उसके साक्ष्य भी हैं। रहस्यवादी युक्ति, रहस्यवादी वे कहते हैं
कहलाते हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लिया हो तथा जो दूसरों को भी दर्शन करा रहे हों, इस दृष्टि में गांधी दार्शनिक थे, क्योंकि वह ईश्वर को सत्य के रूप में देखने में विश्वास करते थे। यद्यपि ईश्वर के साक्षात दर्शन को भी वह संभव मानते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर को रहस्यवादी जो लोग हैं वो ईश्वर का कहते हैं कि हमने दर्शन किया है, ईश्वर को हमने देखा है, ईश्वर की शक्ति को हमने पहचाना है। गांधी का भी उसमें विश्वास था, लेकिन गांधी कहते थे कि मैं सत्य का यदि प्रयोग कर रहा हूँ, यदि सत्य के रूप में यदि मैं जीवन जी रहा हूँ, तो मैं अपने आप ईश्वर रूपी या ईश्वर को साक्षात दर्शन करता हूँ, यदि सत्य की पालना करता हूँ तो। तो ये अब जो अगला है व्यवहारिक युक्ति। व्यवहारिक युक्ति में ईश्वर की जो बात की, गांधी कहते हैं कि ईश्वर व्यवहार में हमें दिखाई देता है। ईश्वर अस्तित्व के संबंधी प्रश्न पर उत्तर गांधी जी व्यवहार में भी उन्होंने दिया है। उन्होंने गांधी जी के व्यवहारिक होने के कारण हर सिद्धांत और विचार को उससे फल के अनुसार जांचते थे। गांधी जो बात करते थे वो कहते थे ईश्वर है ऐसा मानकर वे चलें, और उनके प्रत्येक क्रियाकलाप व सिद्धांत का यही आधार सूत्र है। वो व्यवहारिकता में बात करते हैं कि हमें अब पूर्ण रूप से हमें मानना है कि ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व की जो बात करते हैं। गांधी कहते हैं व्यवहार में यदि आप मानोगे, आप पूजा पाठ में, आप अपने मंत्रोच्चार में, आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में, सभी जगह आप यदि ईश्वर को मानते हो तो आपके पास ईश्वर है, और वह हमेशा आपकी मानकर चलें कि वह प्रत्येक क्रियाकलाप सिद्धांत में आपके पास हमेशा जो उसका आधार सूत्र है वो ईश्वर ही है। और ये जो ईश्वर के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें बताई, बहुत से तर्क बताए, गांधी ने कहा कि इन सब पक्षों से यदि मैं मानता हूँ, गांधी स्वयं के लिए कहते हैं कि गांधी कहते हैं मैं मानता हूँ कि ईश्वर है और ईश्वर इन सब चीज़ों में विद्यमान है। जो तर्क मैंने दिए हैं, जो मैंने बताया है कि इस तरह से ईश्वर को हम प्राप्त कर सकें, इस तरह से ईश्वर को हम देख सकते हैं, तो ये चीज़ जो मुख्य बात बताई है उन्होंने ईश्वर के लिए। अगला वो कह रहे हैं सत्य ईश्वर संबंध के बारे में उन्होंने कहा है। गांधी की ईश्वर धारणा का सबसे बड़ी विशेषता सत्य के साथ ईश्वर का एकीकरण है। अपने अनुभव के बाद गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर सत्य के सिवा कुछ नहीं है, और उन्होंने ईश्वर को ही सत्य का संबंध परिभाषित किया है, सत्य को बताया। जैसा कि मैं आपको पहले बताऊं, पहले गांधी का विश्वास था कि ईश्वर सत्य है। अब उन्होंने धीरे धीरे जब ईश्वर को अनुभव किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सत्य ही ईश्वर है। फिर उन्होंने अपने उस सेंटेंस को बदल दिया कि सत्य हमें दिखाई दे रहा है, सत्य हम जो कर रहे हैं, सत्य के द्वारा जो हम अपना जीवन जी रहे हैं वही ईश्वर है। यदि कोई सत्य की अनुपालना कर रहा है तो वो ईश्वर की अनुपालना ही कर रहा है, ईश्वर के रूपी वो जीवन को जी रहा है। ईश्वर सत्य है, इस वाक्य में गांधी के साबित करते हुए ईश्वर को परिभाषित करने के लिए सत्य के उपयुक्त व्यापक शब्द जो उन्होंने माना कि यदि हम ईश्वर की व्याख्या करते हैं तो हमें सत्य के रूप में हमें ईश्वर को देखना होगा। अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है, किंतु ईश्वर प्रत्यक्ष को समुचित ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते। ये जो पूर्ण रूप से जो कहा गया कि पूर्ण समुचित ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते, वे अंततः सत्य पर ही आश्रित होते हैं। वो केवल क्या मानते हैं कि ईश्वर ऐसा है, या इस तरह की जो बात करते हैं कि ईश्वर को इन रूपों में हम देख सकते हैं, ये सत्य यदि बात है तो ही हम ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अन्यथा हम ईश्वर को नहीं मान सकते, क्योंकि परिभाषित नहीं कर पाते, क्योंकि वह अंततः सत्य पर ही आश्रित है। इसलिए सत्य ही ईश्वर को परिभाषित करने का व्यापक उपयुक्त शब्द है। दूसरी व्याख्या के अनुसार सत्य को ईश्वर का गुण न मानकर ईश्वर माना जाए, ये केवल आप सत्य को ईश्वर का गुण न मानकर वो केवल ईश्वरी माना जाए, सीधा कि गुण नहीं है, ये ईश्वरी है। जो यदि आप सत्य की अनुपालना कर रहे हैं, सत्य को आप कर रहे हैं, तो वो आपका पूर्ण रूप से ईश्वर का ही आप कार्य कर रहे हैं। यदि हम सत्य को ईश्वर का गुण न मानकर ईश्वर को मानते हैं तो सत्य का अर्थ हो जाता है कि चरम सत्ता या निरपेक्ष सत्य। तो ये अपने आप में ईश्वर, उन्होंने कहा है कि सत्य को यदि हम मान रहे हैं, सत्य की यदि अनुपालना कर रहे हैं, तो अपने आप में हम ईश्वर को ही अनुपालना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के बारे में उन्होंने जब ये कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर और सत्य के संबंध को गहराई प्रदान करते हुए गांधी उत्तरवर्ती जीवन में सत्य ही ईश्वर है की बात रखी। उन्होंने उन वाक्य द्वारा अपना दर्शन प्रस्तुत किया। गांधी के अनुसार वह संबंध ईश्वर सत्य है कि अपेक्षा अधिक पूर्ण और अधिक उचित है, और सत्य पर चलने की असीम आत्मशक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति असंभव कार्य भी संपादित कर लेता है। इस परिवर्तन के अनुसार हेतु का उत्तर देते हुए गांधी कहते हैं कि ईश्वर का अपेक्षा सत्य अधिक प्राथमिक व प्रमाणिक है। ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सत्य को प्रमाणिक भी कर सकते हैं और प्राथमिक
रूप से भी हम देख सकते हैं। इसकी मान्यता में कोई संदेह तथा विवाद नहीं है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है, किंतु प्रेम का अर्थ वासना के अर्थ में किया जा सकता है, परंतु सत्य शब्द के प्रयोग में ऐसी कोई बात नहीं है। नास्तिक भी सत्य को सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए गांधी ने ईश्वर सत्य है की जगह सत्य ही ईश्वर को माना। ये उनका जो मानने का जो सबसे बड़ा जो कारण रहा था कि व्यक्ति अपने आप को सत्य ही ईश्वर की जो बात कही है उन्होंने, कि वो पहले उन्होंने जब कहा कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन फिर जब उन्होंने अपने प्रमाण से सत्य से जब उसको देखा समझा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो सत्य हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो ही ईश्वर है। और इन्होंने अपने जो जीवनी, अपना जो जीवन था, उसका जो अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम भी उन्होंने ही मेरे जीवन में की जो आत्मकथा थी उनके सत्य के प्रयोग नाम रखा था, कि क्योंकि जो मैंने इसमें जो चीज़ें सत्य के रूप में मैंने जो प्रयोग किए वो सारे इसमें लिखे हैं, और उस किताब का नाम भी उन्होंने सत्य के प्रयोग रखा। तो ये गांधी ने सत्य के बारे में धर्म और सत्य की जो व्याख्या की है, इसमें सारी चीज़ें लगभग उन्होंने अपने धर्म को और ईश्वर को दोनों को जोड़ते हुए सत्य का जो विवेचन किया है। प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि ईश्वर गांधी के जीवन में उनके दर्शन की आधारशिला है, ईश्वर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा रही है और अविचलित विश्वास ही है, उनके लिए सर्वे सर्वा था। उन्हें कभी ईश्वर का प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी, और सभी धर्मों में व्याप्त व प्रवाहित होने वाले मूल्य ही उनके ईश्वर के जो आधार थे, इसी आधार पर उन्होंने ईश्वर को सत्य और सत्य ही ईश्वर को प्रतिष्ठापित कर ईश्वर पर आधारित विवादास्पद दर्शन को सत्य पर आधारित सर्वमान्य सम्यक दर्शन में परिवर्तित करने का अद्वितीय प्रयास किया। उनका मानना था कि भाई सत्य ही ईश्वर है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए मुझे प्रमाण की आवश्यकता है, तो वो प्रमाण है मेरे पास सत्य है, और सत्य किसी तरह का सत्य सभी के लिए समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ण में यदि हम काम कर रहे हैं तो वहाँ सत्य का होना अत्यंत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने सत्य ही ईश्वर, अंततः उन्होंने इसी बात को माना, इसी अपने जीवन में अपनाया कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य हमेशा सभी जगह विद्यमान है। तो ये अपने आप में इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिया, ये अपने जीवन के लिए बहुत ही मुख्य माना उन्होंने, और जो जीवन का आधार भी उन्होंने सत्य को ही माना। आप सभी का